हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैच हैप्पीनेस विद शिवानी में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस त्योहारों के सीजन की बहुत बहुत मुबारक हो। तो दोस्तों, आज मैंने जो अपनी त्योहारों वाली थाली में व्यंजन रखे हैं, उनमें से कुछ की रेसिपी मैं आज इस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। आप भी कोई ना कोई व्यंजन इस थाली का जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं शुगर फ्री खजूर खोया बर्फी, दही भल्ला काजू वाला, आलू टमाटर की शोरबे वाली सब्जी और उड़द दाल की कचौरी। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं उड़द दाल की कचौरी से। सबसे पहले उड़द की छिलके वाली दाल को 3 से 4 घंटे भिगो के दरदरा पीस लीजिए। मैंने यहाँ ली है 1 कटोरी यानी लगभग 150 ग्राम उड़द की दाल। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल के तड़का बनाएंगे। तेल गरम हो जाए तो डालिए 1 चम्मच जीरा। जीरा भुनने के बाद डालिए 1 मोटी इलायची कूट के, 3-4 सूखी मिर्ची, 1 छोटा चम्मच हींग। आप थोड़ा भूनिए और अब आपको बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी। अब इस पैन में डालिए उड़द दाल की पीठी, थोड़ा भूनिए और डालिए नमक स्वाद अनुसार। आधा चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और अब अच्छे से इसको मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए और भूनिए और निकाल के रख लीजिए। अब मैंने आटा जो गूंद के पहले ही रखा हुआ है, जो कि न ज्यादा सख्त है और न ज्यादा मुलायम, उसकी हम कचौरी बना के मीडियम फ्लेम पर तल लेंगे। तो हमारी कचौरियाँ अब तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए बनाते हैं आलू टमाटर की शोरबे की सब्जी। एक पैन में 3 चम्मच देसी घी या रिफाइंड तेल डाल के उसमें डालिए 4 से 5 कुटे हुए लहसुन, 1 चम्मच जीरा, 1 लहसुन जब थोड़ा भुन जाए तो डालिए 3 से 4 सूखी मिर्चें। अब डालिए 1 से 2 कटे टमाटर। और 1 टमाटर घिसा हुआ भी। ये घिसा हुआ टमाटर डालने से हमारी ग्रेवी जो है और बढ़िया बनेगी। अब डालिए 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1.5 से 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार। अब इसे 5 से 7 मिनट तक भूनिए और डालिए उबले कटे हुए आलू। मैंने डाले हैं 4 कटे उबले हुए आलू। और अब डालिए 1 चम्मच हल्दी, 1.5 ग्लास पानी डाल के मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पका लीजिए।
चलिए जब तक हमारी आलू टमाटर की सब्जी बन रही है, हम बनाते हैं दही भल्ला काजू वाला। मैंने एक कटोरी उड़द धुली दाल को 3 घंटे भिगो के रखा है और साथ ही 1 कटोरी काजू भी भिगो दिए हैं और हम इनको पीस के पीठी बना लेंगे। ये देखिए, आप ऐसा पेस्ट बना लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच रूट सॉल्ट या इनू, 1/4 चम्मच हींग, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और अब अच्छे से फेंट के इनको तल लीजिए। ये भल्ले आप अपनी पसंद की शेप में बना सकते हैं, लंबे या गोल। इन भल्लों को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम 5 से 7 मिनट के लिए एक पानी के बोल में डाल के रख देंगे दोस्तों। और अब लीजिए दही और उसको अच्छे से थोड़ा फेंट लीजिए ताकि वो दही जो है उसकी बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी बन जाए। मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी दही और अब वो भीगे हुए जो भल्ले हैं उसको हम थोड़ा सा अच्छे से निचोड़ के इस दही में डाल देंगे। और इन भल्लों को अच्छे से दही से कवर होने देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे दही भल्ले हो गए हैं तैयार। और अब मैं जरा अपनी यहाँ पे आर्टिस्टिक गिरी दिखा रही हूँ। तो मैंने डाला है यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर, ये मैंने घर में ही भुना है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, भुना हुआ जीरा जो है बहुत ही टेस्टी लगता है, तो घर में ही भून के यूज कीजिए। तो भुना हुआ जीरा डालने के बाद मैंने डाली है थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और डाली है मीठी सौंठ की चटनी। और थोड़े से डाल दिए हैं कटे हुए केले। और अब मीठी चटनी तो डाल दी है दोस्तों, तो बारी है थोड़ी सी हरी चटनी की। ये लीजिए, तो अब हमारे ये दही भल्ले सेट हो गए हैं। इनको रख दीजिए या तो फ्रिज में अगर आपका ठंडा खाने को मन है, और अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है तो इसे बाहर ही ढक के रख दीजिए। तो दोस्तों, हमारे जितने भी नमकीन थाली के व्यंजन थे वो हमने बना लिए हैं। और भाई, जैसे खाने के बाद कुछ मीठा खाया जाता है, उसी तरह से थाली के नमकीन व्यंजन बनाने के बाद अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ मीठा। जी हाँ, तो अब हम बना रहे हैं शुगर फ्री खजूर खोया बर्फी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिए हैं सीडलेस खजूर जो कि है करीबन 200 ग्राम, और लिया है 150 ग्राम खोया। आप खोई की जगह दोस्तों खोई की बर्फी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की थोड़ी सी कमी है तो आप खोई की बर्फी लीजिए और उसको ही क्रश करके रख लीजिए। तो सबसे पहले हम एक पैन में 2 चम्मच देसी घी डाल के ये धुले हुए खजूर जो है इनको थोड़ा सा भून लेंगे और थोड़ा सा कूट लेंगे। कूटने के बाद इसका थोड़ा डो जैसा बना के रख लीजिए। कूटने के बाद जब ये थोड़ा डो जैसा बन जाए तो इसमें डालिए 2 चम्मच केवड़ा जल, इससे इन खजूरों में बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। मैंने भून लिए हैं कुछ मेवा जैसे काजू, बादाम और कुछ पम्पकिन सीड्स। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इनको यहाँ थोड़ा सा भून लिया है और मैंने लिए हैं 3 चम्मच खसखस दाने और इनको भी मैं अच्छे से थोड़ा सा भून लूंगी।
अब एक चम्मच घी में मैं डाल दूंगी खोया और खोए को अच्छे से हम एक डो जैसा बना लेंगे। इसमें डालेंगे आधी चम्मच पिसी हुई हरी इलायची पाउडर, और आइए बनाते हैं अब बर्फी। तो ये जो खजूर का जो डो जैसा बन गया है, इसको हम एक शेप में लेकर आएंगे थोड़ा सा देसी घी इस्तेमाल करते हुए। इस खजूर के डो में हम डालेंगे अपने भुने हुए सारे मेवा और फिर से इसको एक रोल जैसा बनाएंगे। और उस रोल को एक फ्लैट शेप में लाने के बाद जो हमारा खोए का जो डो है उसको हम बीच में प्लेस कर देंगे। और फिर एक रोल की शेप देते हुए हम इस खजूर के डो का एक रोल बनाएंगे और अपनी बर्फी की कटिंग करेंगे। अब इसको थोड़ा सा लंबा आकार दीजिए और जो हमने खसखस भुना है उसको ऐसे प्लेस करके इस रोल को उसमें लपेट दीजिए। और अपनी पसंद की शेप में कट कीजिए। और ये हमारी खजूर खोया की बर्फी तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फेस्टिव सीजन की थाली तैयार है। दोस्तों देखिए कितनी टेस्टी थाल लग रही होगी आपको। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सेवियां है, दाल है, चावल है, ये सब जो है ये हमने पहले से ही तैयार करके रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ व्यंजनों की रेसिपी जो है हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करें। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपीज पसंद आई होंगी। तो दोस्तों जरूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक देते हुए तो जरूर ही जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।